सबसुखल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हूँ को डरना। जय श्री राम। श्री रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी और फिर हनुमान जी के कृपा से ही वे श्री रामचरित मानस लिख पाए। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने ही बजरंग बाण भी लिखा था, तो फिर चलिए जानते हैं कि बजरंग बाण का पाठ क्यों करना चाहिए और क्या रखनी चाहिए सावधानी। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी पर काशी में किसी तांत्रिक ने मारण मंत्र का प्रयोग किया था, तब तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से गुहार लगाई थी। बजरंग बाण के पाठ से एक दिन में सारे फोड़े ठीक हो गए थे। तभी से माना जाता है कि यह पाठ शत्रुओं पर अचूक वार करता है। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य का व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, उससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। ये भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपके तरक्की से लोग चलते हो और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हो। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो बजरंग बाण का पाठ आपको बचाता है और शत्रुओं को दंड देता है। बजरंग बाण में पूरी श्रद्धा रखने और निष्ठापूर्वक उसके बार बार दोहराने से हमारे मन में हनुमान जी की शक्तियाँ जमने लगती है। शक्ति के विचारों में रमण करने से शरीर में वही शक्तियाँ बढ़ती है, उसका सत चित आनंद स्वरूप खिलता जाता है। बजरंग बाण की श्रद्धा पूर्वक उच्चारण कर लेने से जो मनुष्य शक्ति के पुंज महावीर हनुमान जी को स्थायी रूप से अपने मन में धारण कर लेता है, उसके सब संकट अल्प काल में ही दूर हो जाते हैं। साधक को चाहिए कि वो अपने सामने हनुमान जी का कोई चित्र रख ले और पूरे आत्मविश्वास तथा निष्ठा भाव से उनका मानसिक ध्यान करें। मन में ऐसी धारणा करें कि हनुमान जी की दिव्य शक्तियाँ धीरे धीरे मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। जब यह मूर्ति मन मंदिर में स्थायी रूप से उतरने लगे, अंदर से शक्ति का स्रोत खुलने लगे, तभी बजरंग बाण की सिद्धि समझनी चाहिए। पूजन में हनुमान जी की शक्तियों पर एकाग्रता की आवश्यकता है। ध्यान रहे कि यह साधना कहीं एकांत स्थान अथवा एकांत में स्थित हनुमान जी के मंदिर में प्रयोग करें। हनुमान जी के अनुष्ठान में अथवा पूजा आदि में दीप दान का विशेष महत्व होता है। 5 अनाजों तथा गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल को अनुष्ठान से पूर्व एक एक मुट्ठी प्रमाण में लेकर शुद्ध गंगा जल में भिगो दें। अनुष्ठान वाले दिन इन अनाजों को पीसकर उनका दिया बनाएं। दीपक में बत्ती के लिए अपनी लंबाई के बराबर कलावे का एक तार ले अथवा एक कच्चे सूत को लंबाई के बराबर काटकर लाल रंग में रंग ले। इस धागे को 5 बार मोड़ ले। इस प्रकार के धागे की बत्ती को सुगंधित तिल के तेल में डालकर प्रयोग करें। समस्त पूजा काल में यह दिया जलते रहना चाहिए। पूजन करते समय हनुमान जी को सुगंधित गुगुल की धुनी से सुवासित करते रहें। ध्यान रहे कि जप के पहले यह संकल्प अवश्य लें कि आपका कार्य जब भी होगा हनुमान जी के निमित्त नियमित कुछ भी करते रहेंगे। शुद्ध उच्चारण से हनुमान जी की छवि पर ध्यान केंद्रित करके बजरंग बाण का जाप प्रारंभ करें। श्री राम से लेकर सिद्ध करें हनुमान तक एक बैठक में ही इसकी एक माला जप करनी चाहिए। गुगुल की सुगंधी देकर जिस घर में बजरंग बाण का नियमित पाठ होता है, वहां दुर्भाग्य, दरिद्रता, भूत प्रेत का प्रकोप और असाध्य शारीरिक कष्ट आ ही नहीं पाते। यदि किसी कारण नित्य पाठ करने से असमर्थ हो तो प्रत्येक मंगलवार को यह जप अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं कि बजरंग बाण पाठ करने के लिए कौन कौन से सावधानी बरतनी चाहिए। बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग हर कहीं हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने के पूर्व इसे सिद्ध करना होता है।
इसका प्रयोग करते वक्त सावधानी रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जितनी बार बजरंग बाण पाठ का संकल्प लें, उतनी बार रुद्राक्ष की माला से पाठ करें। बजरंग का बाण पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्द का उच्चारण साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिन तक यह पाठ नियम पूर्वक करें। आपको जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करना जरूरी है। जितने दिन भी आपको बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों तक किसी प्रकार का नशा या तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी ना करनी चाहिए। पाठ के पूर्व क्या करें? बजरंग बाण का पाठ करने के पूर्व संकल्प अवश्य लें कि आपका कार्य जब भी होगा हनुमान जी के निमित्त नियमित कुछ भी करते रहेंगे। इसके अलावा राम जी की स्तुति पढ़ें और फिर विधिवत पूजा के बाद पाठ करें। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद भगवान राम का स्मरण और कीर्तन करें। पाठ के पूर्व घी का दीपक जलाएं जिसमें 5 बत्ती हो। इसी के साथ गुग्गल की भी सुगंध भी फैलाएं। हनुमान जी को चमेली का तेल, गुड़, चना, जनेऊ, पान का बीड़ा आदि अर्पित करें। चूरमा, लड्डू और अन्य मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। घटना दुर्घटना को राहु, केतु और शनि अंजाम देते हैं। जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी मुसीबत में अचानक आ जाना। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। यदि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन में संकट पैदा हो रहा है तो उसे नियमित रूप से मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर नियम पूर्वक निष्ठा के साथ बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्द ही हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही कमेंट्स में जय श्री राम और जय हनुमान लिखना मत भूलिएगा। और आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में। जय श्री कृष्णा।